योगी का बुलडोजर अब वाराणसी पहुंच गया। जो काम अखिलेश की सरकार नहीं कर पाई, जिस अवैध निर्माण को गिराने का आदेश 2016 में हो चुका था लेकिन अखिलेश यादव की सरकार गिरा नहीं पाई, उस काम को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कर दिया है। वाराणसी में वीडीए का हथौड़ा चला शहर के सबसे बड़े और आलिशान होटल पर, लेकिन ये एक्शन क्यों हुआ, इस एक्शन के बाद मुस्लिम वाला नैरेटिव क्यों सोशल मीडिया पर घूमने लगा, इस रिपोर्ट में देखिए। नब्बे कमरों के होटल पर बुलडोजर एक्शन, टूट गया वाराणसी का बनारस कोठी, अवैध निर्माण पर एक्शन तो फिर हिंदू मुस्लिम क्यों? वाराणसी में अब न तो बनारस कोठी में कोई बुकिंग होगी, न ही होटल रिवर पैलेस में कोई गेस्ट ठहरेगा। 90 कमरों के 5 मंजिला होटल पर प्रशासन का हथौड़ा चल गया है। वाराणसी के 2 बड़े होटल, होटल बनारस कोठी और इसके साथ ही होटल रिवर पैलेस पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। दोनों ही होटलों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, यहां पर तोड़फोड़ की गई है, बुलडोजर कार्रवाई की गई है और होटलों को अंदर से पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया गया है। और उसके बाद यहां पर वीडीए यानी कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने होटलों को पूरी तरीके से सीज कर दिया है। जैसा कि आप बाहर से तस्वीरें देख रहे हैं, जो इनका जीना है इसको जिस तरीके से तोड़ा गया है, इसी तरीके से अंदर के जितने कमरे हैं, कमरों की दीवारों को, बाथरूमों को पूरी तरीके से अंदर से प्रशासन ने डिसमेंटल कर दिया है। ये दोनों होटल वाराणसी के सबसे आलिशान होटल्स में गिने जाते थे। वाराणसी में इनसे बड़ा कोई दूसरा होटल नहीं था, यहाँ एक साथ 600 लोग ठहरते थे। लेकिन अब इसका नक्शा पूरी तरह से बदल गया है। बनारस कोठी और होटल रिवर पैलेस के अंदर और बाहर प्रशासन का हथौड़ा चल गया है। होटल के अंदर मौजूद दीवारें तोड़ दी गई है, एक एक कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को खोल दिया गया है। बाथरूम का नक्शा बदल गया है, कमरे और गैलरी में बने डिजाइन को हथौड़े से तोड़ दिया गया है। प्रशासन ने इस होटल को ठहरने लायक नहीं छोड़ा है, शासन का हथौड़ा चलने के बाद दोनों होटल को सील कर दिया गया है। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, होटल मालिक और प्रशासन के बीच तो नोकझोंक तक हो गई। वीडीए ने पूरे कार्रवाई को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंजाम दिया। एडीएम हो, तुम्हारी औकात चपरासी के बराबर है, एडीएम हो के तुम हाथ चला रहे हो। होटल मालिक को हेडशॉट मारने का वीडियो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का था तो अखिलेश तुरंत एक्शन में आ गए और वीडियो को ट्वीट कर सियासत चमकाने लगे। कार्रवाई को देखकर होटल मालिक ने पहले से ही इसे मुस्लिम एंगल दे दिया था जो अखिलेश को सूट कर गया। मुसलमान है क्योंकि यहाँ पर 25 लोग और हैं, सारे बीजेपी के नेता के होटल हैं, सारे होटल बीजेपी के नेताओं के हैं, वशिष्ठ का है, कंफर्ट इन है, सफाया इन है, बगल में क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि मुसलमान हम हैं, क्योंकि जूब क्षेत्र में 756 मकान हैं, किसी को तोड़ने की औकात नहीं है, क्योंकि सबसे कमजोर हम हैं, इसलिए तो सामने ये स्कूल की जमीन है उस पर गेस्ट हाउस बनाया गया है। सवाल यह है कि आखिर बनारस कोठी और होटल रिवर पैलेस को सील क्यों किया गया? होटल मालिक ने मुस्लिम वाला नैरेटिव तो गढ़ दिया लेकिन ये सच नहीं बताया कि आखिर उसके होटल को क्यों तोड़ा गया, क्यों सील किया गया। चलिए सच बता देते हैं,
खुर्शीद आलम की बनारस कोठी होटल को लेकर बीते 10 सालों से विवाद चल रहा है। पहले भी होटल को सील किया जा चुका है, होटल को तोड़ने का नोटिस मिल चुका है, लेकिन तब सरकार दूसरी थी। पैसा, पावर और सेटिंग के दम पर खुर्शीद आलम अपने होटल को बचा लिए, लेकिन योगी के राज में बनारस कोठी पर बुलडोजर आखिरकार चली गया। के बावजूद रेजिडेंशियल नक्शे पर ही होटल जो है, आप देखिए कितना बड़ा होटल है, आलिशान होटल है। ये होटल यहां पर दोनों बनाए गए और यहां पर होटल का संचालन हो रहा था, जिसके खिलाफ 2015 में भी कार्रवाई हुई थी, सील किया गया था, उसके बाद अनसील हुआ। और जब होटल चलता रहा तो प्रशासन का ये कहना है कि अवैध तरीके से ये होटल चल रहा था, कमर्शियल एक्टिविटी यहां पर हो रही थी, जिस वजह से प्रशासन ने होटलों के अंदर डिसमेंटल की कार्रवाई करने के बाद होटलों को सील कर दिया है। आरोप है कि इससे पहले जब जब प्रशासन होटल को सील करने और तोड़ने पहुंचता, तब तक खुर्शीद आलम विरोध प्रदर्शन के लिए महिलाओं को आगे कर देता। होटल्स जो हैं, दो बड़े इलीगल होटल्स जिसमें 90 कमरे हैं और ये कई हज़ार वर्ग फिट में हैं, ये संचालन किया जा रहा था। 2016 में डेमोलिशन ऑर्डर पारित हुआ था, उसके उपरांत इनके द्वारा कई लेवल्स पे जो है कमिश्नर सर के यहाँ, शासन में, हाईकोर्ट में, कई जगह इनके द्वारा पूर्व में अपील किया गया, लेकिन इनकी सभी जगह से जो अपील थी वो खारिज कर दी गई। पूर्व में भी यहाँ पे सील करने का प्रयास किया गया था 2017-18 में, लेकिन तभी इनके द्वारा महिलाओं को आगे करके प्रयास किया गया कि सीलिंग ना हो पाए, डेमोलिशन ना हो पाए। उसमें भी सरकारी सेवा में, सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए जो है इनके खिलाफ़ FIR हुई थी 2017-18 में भी। उसके बाद भी जब ऑर्डर्स पारित हुए तो इनके द्वारा स्वतः जो है ना इनके द्वारा सील किया गया, ना इनके द्वारा अपना होटल जो संचालन जो है बंद किया गया। इस बार भी यही तैयारी थी। खुर्शीद आलम अपने पूरे परिवार को बुला चुका था, उसका पूरा परिवार होटल के सबसे ऊपरी मंजिल पर रह रहा था और VDA की टीम पुलिस के साथ जैसे ही पहुंची, हंगामा शुरू हो गया। वाराणसी विकास प्राधिकरण के मुताबिक होटल वरुणा नदी के डूब क्षेत्र में बनाया गया है। वरुणा नदी से 50 मीटर तक के इलाके में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक है, लेकिन इसके बाद भी खुर्शीद आलम ने 5 मंजिला होटल बना दिया। जिस इलाके में होटल है वो रेसिडेंशियल इलाका है, लेकिन खुर्शीद आलम वहां कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे थे। वाराणसी में जिन दो होटलों पर VDA की कार्रवाई हुई है, उनमें से एक होटल है ये लाल वाला बनारस कोठी और ये सफेद वाला होटल है होटल रिवर पैलेस। इन दोनों होटलों के ऊपर VDA यानी कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्शन लिया है। यहां पर नोटिस दिया गया, नोटिस देने के बाद खाली करने के लिए कहा गया और उसके बाद बुलडोजर से, मजदूरों के जरिए, लेबर के जरिए यहां पर कार्रवाई की गई, तोड़फोड़ की गई। VDA यानी कि वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इन दोनों होटलों पर कार्रवाई क्यों की है, उसकी वजह क्या है? असल में इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये है वाराणसी की वरुणा नदी, और वरुणा नदी के आसपास का ये इलाका डूब का इलाका आता है, यानी कि जितने ये यहां पर घर बने हुए हैं ये डूब के इलाके के अंदर हैं। और 50 मीटर यानी कि वरुणा नदी से 50 मीटर के दायरे में ये कानून है कि आप किसी भी तरीके से वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जो ये होटल बने हुए हैं, असल में 1999 में इन नियमों से पहले ये रेजिडेंशियल यहां पर प्लॉट अलॉट हुए थे, जिसके बाद रेजिडेंशियल का जो नक्शा होता है वो पास करवाया गया ग्राउंड प्लस 2, यानी कि आप अपना घर बना सकते हैं ग्राउंड फ्लोर और उसके ऊपर 2 फ्लोर, लेकिन पूरी तरीके से नियमों को ताक पर रखा गया। और ताक पर रखने के बाद 5 मंजिला, आप देखिए इतने आलीशान लंबे चौड़े ये होटल जो है उनका अवैध तरीके से निर्माण कर दिया गया। दोनों होटल को मिला दें तो कुल 92 कमरे हैं। भूखंड 20 पर 2 मार्च 2012 को 3 मंजिला इमारत बनाने के लिए आवासीय नक्शा पास कराया गया, लेकिन पास के भूखंड संख्या 18 और 19 को जोड़कर 6 मंजिला अवैध होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस बना दिया गया। ऐसा नहीं कि प्राधिकरण के अधिकारी पहली बार होटल को तोड़ने आए हैं, बनारस कोठी का विवाद से चोली दामन का नाता है। 8 साल पहले भी होटल को सील किया गया था, इसके बावजूद होटल ने कंस्ट्रक्शन जारी रखा, यात्रियों की बुकिंग भी लेता रहा, इसलिए अब होटल को गिराने की कार्रवाई हो रही है। 2015 में दोनों होटल को नियम के खिलाफ जाकर बनाने पर सील किया गया था।
13 फरवरी 2015 को बनारस कोठी और 23 नवंबर 2015 को रिवर पैलेस पर प्रशासन ने ताला जड़ दिया। इसके बाद होटल संचालक कोर्ट चले गए, लेकिन राहत नहीं मिली और याचिका खारिज हो गई। 2015 में यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, यानी योगी की सरकार में पहली बार एक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। बनारस कोठी और होटल रिवर पैलेस के खिलाफ पहले से अवैध निर्माण का मामला चल रहा है, लेकिन एक्शन 27 जुलाई 2024 को हुआ। आरोप है कि 2015 में होटल सील होने के बाद खुर्शीद आलम सत्ता दल के नेताओं और अधिकारियों से साठ गांठ कर दोनों होटल का संचालन फिर से शुरू कर दिया। पिछले पाँच से छः सालों से इलीगल होटल चला रहे हैं, उससे कमाई कर रहे हैं और इलीगली ये इनकम सारी इनके द्वारा अर्जित की जा रही है। इसमें पूर्व में अभी बोर्ड मीटिंग वीडीए प्राधिकरण की हुई थी, उस बोर्ड मीटिंग में भी ये मैटर्स उठा, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हुई कि इस प्रकार के होटल्स चल रहे हैं, तो बोर्ड मीटिंग के बाद एनफोर्समेंट की कार्रवाई को और तेज़ किया गया। पिछले सप्ताह में इनको अलग अलग प्रकार के नोटिसेस भी दिए गए, खुद से बताया गया कि आप संचालन अपना रोक लें। पिछले सप्ताह भी इन्होंने बहुत प्रयास किया कि यहाँ पे हमारे टूरिस्ट रुके हैं, हम आगे कोई बुकिंग नहीं लेंगे, हमारे टूरिस्ट को आगे कर दिया और उस वजह से जो है वहाँ उस समय भी सीलिंग की कार्रवाई नहीं करने दी गई। पिछले सप्ताह भी इनके खिलाफ FIR की गई। इनको समझाया गया कि आपके जब ये वाले टूरिस्ट चले जाएँ तो कम से कम आप स्वतः तब अपनी संचालन रोक दीजिए और इसका सीलिंग कर लीजिए, तो लेकिन वो भी इनके द्वारा नहीं किया गया।